यस वी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है क्या होता है? यूनिफॉर्म क्या होता है? अभी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हर जगह पे फील्ड का वैल्यू क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हर पॉइंट पे क्या फील्ड का वैल्यू बराबर हो। देख लीजिए, द फील्ड विच हैव सेम इंटेंसिटी, द फील्ड विच हैव सेम इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट, सेम इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट, ओके, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम हो गई, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पैरेलल लाइन्स। किससे करते हैं रिप्रेजेंट इसको हम लोग? पैरेलल लाइन से करते हैं, ऐसे इस तरह लाइन्स आएंगी। कौन सी लाइन है ये? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है भाई। यस और नो? कहाँ से शुरू होती हैं? पॉजिटिव से। कहाँ पे एंड होती हैं? नेगेटिव। यहाँ पे पक्का है पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकती हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन ऑफ पेपर। भी प्लेन ऑफ पेपर, पेपर पे आया हुआ लाइन्स, कर पाओगे? यस और नो? एक होती हैं फील्ड लाइन्स ऐसे भी क्रॉस बना के, ये भी पैरेलल्स लाइन दिख रही है मेरे को, सही है? अगर फील्ड लाइंस पैरेलल आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं भाई, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे दिखाते हैं इसको। एक आ रही है ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शंस, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है भाई। यस और नो? उसको कैसे दिखाएंगे? डॉट से भी। तीनों लिखो, ये लिख दिया पहले वाला, इसको लिखो सेकंड को, ये वाला लिखो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायग्राम बना के परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड होंगे भी, अंदर की तरफ जाएंगे लाइन्स, समझ में आई? ऊपर वाले लिखो, तो ये पैरेलल लाइन्स आ रही है, देखो जहाँ पैरेलल लाइन्स मिलेंगी किसको दिखाएगा? यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाएगा। अभी तीन तरीके दिखाने के उसके, ऊपर वाले बना लिया, डॉट वाला कैसे लिखाओगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, समझ में आई बात भाई? देखो तीन तरीके हैं, मेरी उंगलियां किसको दिखा रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रही हैं अभी। एक तरीका ये है कि बोर्ड की तरफ हो ऐसे, सही है कि नहीं है? ये वाला है इन द प्लेन ऑफ पेपर भी, ओके। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि लाइन ऐसे जा रही हो भाई, अभी भी क्या यूनिफॉर्म ही तो है, किसको दिखाएगा? इसको, परपेंडिकुलर टू पेपर बट इन द इनवर्ड डायरेक्शंस, ये वाला, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर ही है बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, समझ में आया भाई? कर पाओगे? तो ये था भी आपका सिंपल व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगेगा, ये बात आपको प्रूव करनी है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। रोटेशनल इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जब घूमेगा वो तो क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, अभी कैसे दिखाते हैं इसको विद पैरेलल लाइंस भी,
ये कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, बताओ मेरे को। इन द प्लेन ऑफ पेपर भी, यस और नो? सही है। डॉट क्यों दिखाया? क्योंकि क्या दिखाना चाहता हूँ अभी यहाँ पे, डाइपोल बनाना चाहता हूँ मैं। कर पाओगे? मेरे पास एक डाइपोल है भाई, ये बना लिया। डाइपोल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस भी। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्या ले लेते हैं प्लस क्यू। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है बी। इसको रखा गया अभी किसी एंगल के ऊपर, विच मेक एंगल थीटा विद फील्ड, फील्ड कौन सा? इलेक्ट्रिक वाला भी। सही है कि नहीं है? कर पाओगे? तो क्वेश्चन ये है भाई, क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगा प्लस पे? और क्या लगेगा तो कैसे लगेगा भाई? फील्ड तो फोर्स लगेगा, पक्की बात है भाई। ये क्या होता है, फोर्स पे तो बोलते हैं, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यस सर ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? कुछ याद है? एफ बाई क्यू नोट था भाई। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ बाई क्यू भी। क्या प्रॉब्लम है? चार्ज ही तो है। या एफ बराबर क्या ले सकते हैं, क्यू इंटू ई ले सकता हूँ। एफ बराबर है क्यू इंटू ई। यस और नो? अब यहाँ पे कौन सी प्लेट लगा रखी मैंने? ये पॉजिटिव प्लेट जहाँ से लाइन्स आ रही होंगी। यहाँ पे कौन सी है? नेगेटिव, जहाँ पे लाइन एंड हो रही होंगी। यस और नो? तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ आगेगा? किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ, विद सम फोर्स भी। कितना फोर्स? एफ मान लेते हैं। कितना वैल्यू? क्यू ई। यस और नो? फील्ड से तो लग रहा है यारा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये वाला नेगेटिव इसकी तरफ आगेगा, क्योंकि चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो फोर्स भी सेम होना चाहिए। समझ में आया? कितने वैल्यू? क्यू ई। यस और नो? तो एक रोड के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कैसे कैसे? किसी कंडीशन आ गई, टॉर्क की आ गई, तो भाई बॉडी क्या करेगी? घूमना शुरू कर देगी। और फार्मूला क्या बनता है टॉर्क का? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक लाइन ड्रा करें यहाँ से नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा, ये भी पैरेलल लाइन्स आ रही हैं। तो ये पॉइंट ये सी मान लेते हैं। मेरे को बताओ कौन सी डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर है, क्योंकि फार्मूले में चाहिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बी सी दोनों के फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर है भाई। तो ये तो चाहिए मेरे को, फोर्स आ गया, गुणा किसे करनी है? बी सी से आंसर पूरा हो जाएगा अभी। समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम बनाओ, लिख लीजिए अभी। लिखिए, वी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a। कितना लेंथ होता है डाइपोल का? कितना लेते हैं हम लोग? 2a। ऑफ लेंथ है 2a, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। ये बात सही है? किसी भी एंगल पर रखा कि मैंने सुना 90 पे रखा ना, 0 पे, कोई और एंगल है बीच का, तय कर लेंगे बाद में। 90 0 पे क्या होगा? हो जाएगा अभी। अब जब इसको रखा गया है तो फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर भी। सो लिख लीजिए, फोर्स ऑन द चार्जेज इज कितना होगा फोर्स भी? तो ई का वैल्यू होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है अभी, एफ बाई क्यू। ये बात सही है कि नहीं है? फार्मूला है ई का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ अकॉर्डिंग टू ई? क्यू ई। आपको पता होना कि डाइपोल में चार्ज सेम होते हैं, साइन उल्टे होते हैं बस। यस और नो? तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यही तो फर्क है। कर पाओगे? दोनों पर कितना फोर्स लग रहा होगा? क्यू इंटू ई। तो क्या टॉर्क लग रहा है? हो गया स्ट्रो टॉर्क लगना भाई। कितना वैल्यू होगा टॉर्क का? देन टॉर्क इज, लिखो टॉर्क, टाओ लिखते हैं टॉर्क को। टाओ क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है कि नहीं है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके परपेंडिकुलर भाई? फोर्स के। फोर्स एफ ले लेते हैं। कौन सी डिस्टेंस है ये बताओ मेरे को जल्दी से,
BC सही लिखा है, BC भी, तो BC निकालना पड़ेगा, हो जाएगा इतना, एनी प्रॉब्लम भाई? तो BC निकालते हैं, कौन सी ट्रायंगल यूज करें बताओ, रब कर दें इसको, ये हो गया भाई, इन द ट्रायंगल ABC, ABC से क्या आप निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यस और नो, तो क्या आएगा BC बाई AB, यही है कि नहीं है, और BC तो निकालना मेरे को, BC इंट क्या आएगा, AB इंटू साइन थीटा, सही है, व्हाट इज AB, ये लेंथ ऑफ डाइपोल नहीं लग रही आपको, डब कर दें, AB क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी होती है, 2A, सिंपल है भाई, 2A साइन थीटा भी, सही है कि नहीं, टॉर्क क्या होता है, फार्मूला भी टॉर्क का, टॉर्क था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, यही था ना, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स भाई, हमें निकाला था हम लोगों ने, कितना था, QE इनटू 2A साइन थीटा, ये बात सही है, 2A साइन थीटा, सही है कि नहीं, तो बता दो भाई क्या आंसर आएगा, रब करते हैं इसको, क्यू इंटू 2A इंटू ई साइन थीटा, क्या सही लिखा मैंने, बता दो, क्यू ई 2A तो है, क्यू 2A ई साइन, हरीज वही है भाई, ये क्या है, ये P बन जाता है डाइपोल मोमेंट भी, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, PE साइन थीटा, सही लिखा है, दिस इज द फार्मूला भी, टॉर्क का फार्मूला क्या बना, PE साइन थीटा, अगर आपको याद होना चाहिए कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को इन रोटेशनल सिस्टम भी, आपको याद है ना, मिनट नंबर 5 पेपर तो नहीं आई थी, क्या थी, टॉर्क इज एनालॉजी ऑफ फोर्स भी, यस और नो, तो वेक्टर तो होगा भाई, पक्की बात है, वेक्टर होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, A×B, क्या लिखते हैं, कुछ याद है, AB साइन थीटा, तो इसको क्रॉस में लिख सकता हूँ, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू कितना भाई, P×E, सही लिखा है, यस और नो, कुछ कंडीशन डालें, केस बनाएं, मैं बोला सारे केसेस से आंसर आते हैं हमारे, तो भाई क्वेश्चन सारे बनते हैं केस से, हो जाएगा, पहला केस क्या बनाओगे बताओ, ये केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 degree, थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए भाई, थीटा 0 ना मतलब क्या भाई, किसके बीच में एंगल निकाल रहे हैं हम लोग अभी, ये एंगल किसके बीच का, P और E के बीच का भाई, यानी मोमेंटम के बीच में और ई के बीच में कितना एंगल हो जाए, 0, कैसे हो सकता होता हूँ मेरे को जल्दी से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ऐसा ऐसा था ना, और मोमेंटम क्या था याद है आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम बोलते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट या मोमेंटम कर लोगे, डाइपोल मोमेंट कितना है, पी, डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना हो गया, 0, यस और नो, तो इसमें कितना कितना आंसर होगा अभी, टॉर्क का भी, साइन 0 कितना होता है, PE साइन 0, 0 इंटू समथिंग 0, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी बॉडी घूमेगी नहीं भाई, सही है, कर लोगे, इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम भी, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, क्या यहाँ पे बॉडी रुकी रहनी चाहिएगी भाई, इस पॉइंट पे रुकी रहे तो रुकी रहेगी, वो कौन सी है, स्टेबल है भाई, कैसे पॉसिबल है ये, अगर आपको याद हो ना फील्ड के यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव प्लेट थी भी, और यहाँ पे क्या थी, तो किसकी तरफ भागा हुआ है, और ये वाला तो एक वो उसको वहाँ से किस तरह कि वहाँ से कुछ तरह घूम सकता है नहीं, ये कौन सी कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन है इसकी,
ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, बताएंगे जीरो है, 90 है, 180 है, 270, जो भी, किस पे आएगा आंसर? जीरो पे कर लोगे। सेकंड पॉइंट डालें भाई, केस टू डालें। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 90, थीटा 90 मतलब भाई टॉर्क कितना, पी ई साइन 90 लिख सकता हूँ। अगर आपको याद होना चाहिए साइन 90 में मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की भी, टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो कितना आएगा पी ई, ये वैल्यू क्या है, मिक्स से ऊपर टॉर्क नहीं हो सकता अभी, साइन 90 पे वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, सही है कि नहीं है? ये किसी कंडीशन है फॉर मैक्सिमम टॉर्क भी, समझ में आया कि नहीं आया अभी? मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, 180 पे, माइनस 1 पे, करके देख ले। केस 3 बनाओ, व्हेन थीटा इज कितना भाई 180 डिग्री, 180 कैसे हो सकता है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मोमेंटम कैसे हो, ये नेगेटिव हो भाई, ये कितना हो पॉजिटिव, तो मोमेंटम ऐसे होगा उल्टा, तो एंगल कितना बनेगा 180 का बनेगा। यस और नो, कुछ याद है कंडीशन, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था नेगेटिव, यस और नो चेक कर लो। पॉजिटिव तरफ कौन आया हुआ है, पॉजिटिव, नेगेटिव तरफ कौन सा आया हुआ है, नेगेटिव, धक्का नहीं मार दे उसी टाइम इसको, ये कंडीशन रहेगी इसकी भी नहीं रह सकती, तो कौन सी कंडीशन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, समझ में आई कि नहीं आई? 180 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होता अभी, माइनस 1 होता है साइन, सॉरी जीरो होती है अभी, 180 पे कितनी होती है साइन की वैल्यू, जीरो ही होती है, पता है कि नहीं पता, पता ही नहीं है। साइन 180, 180 में कितना होता है, जीरो होती है भाई, जीरो इंटू समथिंग टॉक तो अभी भी जीरो आ रहा है अभी, बट ये कंडीशन किसका है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है अभी, ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है अभी, घूम जाएगा उसी टाइम टॉर्क, बॉडी रहेगी नहीं इस पॉइंट पे आके, सही है? पहली बार तो रुक रही थी वहीं पे, रुक गई थी, ये रुकेगी नहीं, ये उस पोजिशन को चेंज करना चाहेगी उसी टाइम, दोनों तरफ से क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है, समझ में आया? देख लीजिए, इट इज़ अ कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी, किसकी कंडीशन है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक अभी, ये भी इसी का पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ये टॉपिक है ना, पोटेंशियल पूरा लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल इन प्लेस इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है, वर्क को ही बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जब एनर्जी निकालनी पड़े क्या निकाल लो, वर्क निकाल लेते हैं, यस और नो, कि कैसा वर्क निकालना आपको भी, आपके पास डाइपोल था भी एक फील्ड में, ऐसा था डाइपोल, ये था ना, ये किस एंगल पर रखा था इसको, थीटा एंगल के ऊपर, अपने देखा कि जीरो पे रुक गया, 90 पे मैक्सिमम हो गया, 180 पे अनस्टेबल हो गया, यानी कोशिश करना चाहता घूमने की वो उस पॉइंट पे आके। अब आपको क्या करना है, इस डाइपोल को घुमाना है भाई अपने आप, मान लेते जीरो पे आके सेट हो गया भाई, ये तो घूमना नहीं चाहता, इसको घुमाना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करना पड़ा आपको, इसके लिए वर्क करना पड़ा होगा, जो वर्क आपने किया वो इस डाइपोल में स्टोर हो गया इन टर्म ऑफ एनर्जी भी। कौन सी एनर्जी है वो, पोटेंशियल, क्योंकि आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, कौन सी एनर्जी होती है पोजीशन चेंज होने से, पोटेंशियल ही होती है, यस और नो, तो आपको बताना उसका वैल्यू कितना है। अगर आप घुमाते हो चीज़ों को तो वर्क करना पड़ेगा भाई, सॉरी वर्क की कंडीशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में, ये सिंपल वर्क है भाई, किस फॉर्म में, जब बॉडी चलती है स्ट्रेट लाइन में, अब तो घुमा रहे हैं, कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, यस और नो, तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क करता है भाई, यस और नो, और यह सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है, थीटा भाई,
याद है कि नहीं है, वही चीज़ें हैं सारी। घुमाना है ना इसको, तो कौन सा मोशन यूज़ करेंगे, रोटेशनल मोशन यूज़ करना पड़ेगा। तो फोर्स का काम कौन करता है वहाँ पे, टॉर्क करता है। सिंपल इसका डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर वाला करता है। तो आपको इसको घुमाना है किसी एंगल से किसी एंगल तक, तो आप क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा स्ट्रम में भाई। कर लोगे, हो जाएगा। लिखो इसको, वी हैव ए डाइपोल, वी हैव ए डाइपोल एट एंगल थीटा, वी हैव ए डाइपोल एट एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना ही करना है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात। देन टॉर्क इज, इस पर टॉर्क कितना लगा था भाई, याद है कितना था, पी ई साइन थीटा था भाई, ये तो पक्का लगेगा भाई। देन टॉर्क इज कितना है, पी ई साइन थीटा, हो जाएगा भाई। अब डाइपोल को घुमाना है थोड़ा सा भाई, तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा आपको भी। तो मान लेते हैं भाई, डी डब्ल्यू क्या है, इज द स्मॉल वर्क भी फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिख दूं या स्मॉल एंगल भी, एंगल लिख दूं कितना, डी थीटा। इसको छोटे से एंगल पे घुमा दिया मैंने, चेक करना कितना वर्क करना पड़ा इसके लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क का भाई, टॉर्क इन टू एंगल भाई, कौन सा एंगल है, डी थीटा। ये रहा, ये सर ना तेरे बता दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क भाई कितना है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सही लिखा मैंने। हमें तो पूरा वर्क करना है भाई, किसी एंगल से किसी एंगल तक निकालना है, तो कर दो पूरा वर्क भाई। कितना आएगा टोटल वर्क, कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कर दें इसका, इंटीग्रेशन कर दूं, स्मॉल स्मॉल करना है, जोड़ दो सारा स्मॉल को, यस और नो। तो करो इंटीग्रेशन भाई, कितना आएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, एंगल दे देते हैं, किस एंगल से किस एंगल तक है, एनी एंगल थीटा वन से एनी एंगल थीटा टू, कोई भी हो सकता है वैल्यू भाई, कुछ भी हो सकता है, जीरो से 90, जीरो से 180, 90 से 270, 180 से 360, कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपको, उसमें निकालना वर्क भाई, सही है। तो किस एंगल तक कर दिया मैंने, थीटा वन से थीटा टू तक करना है इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लूँ, तब कर दें इसको, पी ई भी तो है, फील्ड बराबर हर जगह पे, यस आर नो। अंदर क्या बच गया, थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, सही लिखा मैंने। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ये तो याद नहीं भाई, माइनस होता है, कितना आएगा, पी ई कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, सही लिखा मैंने, थीटा वन से थीटा टू माइनस होता भाई, माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल लूँ तो कितना आएगा वर्क डन की वैल्यू, माइनस पी ई, पुट कर दे लिमिट भाई, कौन सी लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट है कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, सही लिखा है मैंने। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क, क्या है, एनर्जी तो है, कौन सी एनर्जी निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल, लिख दो इसको पूरा पोटेंशियल, ये नहीं बोलते यूज लेते हैं उसको एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, यू से, ये पी तो ये तो आया हुआ भाई, ये नहीं लिख रहे हम लोग, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यस आर नो। वर्क निकाल लिया हम लोगों ने, तो एनर्जी क्या आई, ये आ गई, कर सकते हो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, लेकिन मैंने एक पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, सुना है कि नहीं सुना, ये वर्ड आपको, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई, इट शो द बाउंडेड स्टेट भाई, क्योंकि यहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसको दिखाता है माइनस साइन, ये किसके निकाल रहे हैं हम लोग, किसी के अंडर काम करके निकाल रहे हैं हम लोग ये, ओके लिखते हैं हमारे साथ में इसको, ले जाओ अंदर, कोई दिक्कत भी नहीं है। कितना आएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कर लो, हो जाएगा भी। इसे एक पॉइंट ले लेते, छोटा सा पॉइंट भाई, बोल ली थी, केस फर्स्ट बना लेते हैं भाई, मान लेते हैं थीटा वन कितना है 90 डिग्री और थीटा टू कितना है 0 डिग्री,
90 से किसी एंगल पे घुमाना है इसको भाई, कुछ भी एंगल हो सकते हैं भाई, मैं वैसे भी एक केस बना रहा हूँ वैसे ही। कितना आंसर आएगा बताओ? यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। क्या सही लिखा मैंने? कॉस 90 कितना होता है? जीरो। इसको ऐसे ले सकता हूँ यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा सही लिखा है कि नहीं लिखा? आपको याद है ए डॉट बी क्या होता था? ए बी कॉस थीटा, याद सर नो? बी बी वेक्टर है, ई बी वेक्टर है, कॉस भी आया हुआ है, लिख सकता हूँ ऐसे इसको यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। आपको याद होना चाहिए डॉट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, एनर्जी क्या होती है? स्केलर होती है भाई, याद तो है नहीं हमारे। जीरो कहाँ है? जीरो थोड़ी है, थीटा भाई, ये थीटा ठीक है, एनी एंगल थीटा जीरो नहीं है। कर लोगे? समझ में आया? और कर लो एक एग्जांपल छोटा सा, इसमें केस टू बनाओ, रब करते हैं। कोई भी एंगल कर लो यार, कितना करें बताओ, मर्जी तुम्हारी। थीटा टू को जीरो कर लेता हूँ और थीटा वन को एनी एंगल कितना कर लेता हूँ, वन सॉरी थीटा, कुछ भी हो सकता है एंगल, कहीं से जा सकते हैं हम लोग। कितना वैल्यू आएगा? केस टू है ये, यू इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा टू कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा भी सही है, तो यू इज इक्वल टू कितना है? माइनस पी ई वन माइनस कॉस थीटा भी। अरे कुछ भी आंसर हो सकते हैं, जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लो एंगल, उसका आंसर भी सही है कि नहीं है। आपको किसी भी एंगल से किसी एंगल से निकाल लो, प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा फार्मूला है मेरे पास भी। बस टॉपिक पूरा हो गया अभी।